हेलो दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड रखे हैं, जिसे हम डेबिट कार्ड भी बोलते हैं, और उसका एटीएम कार्ड रखे हैं तो हो सकता है आपको मालूम नहीं होगा, और मालूम भी होगा तो आप न्यूज़ में सुन लिए होंगे या सुनने वाले होंगे। तो हम ये बता दें कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो रहा है। तो इससे पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे, पर उसको हम जिक्र किए थे कि एटीएम कार्ड अभी बंद नहीं होगा, बंद होगा तो इसका नोटिफिकेशन पहले देते हैं, पर अभी बंद होने लगा है। और ये जब बंद होने लगा है 25 नवंबर से बंद चालू, मतलब आपका जो एटीएम कार्ड है वो ब्लॉक होना चालू हो गया है। और इसमें बता दें कि कोई डेट टाइम और समय नहीं दिया गया है कि इतनी तारीख लास्ट तक बंद हो जाएगा, पर जब हमने मेल के थ्रू उनसे बात की तो बोले कि हम 25 नवंबर से बंद करना चालू कर दिए हैं, मतलब ब्लॉक करना हम चालू कर दिए हैं। और जिनके पास, मतलब ये भी हम बता दें कि नहीं तो बाद में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, जिनके पास चिप वाला है वो एटीएम कार्ड बंद नहीं होगा, जिनके पास चिप वाला नहीं है। देखिए, ऊपर आपका जो है ना एक चिप लगा रहता है, ठीक है, एक जो आपका एटीएम कार्ड है उस पर एक चिप लगा रहता है। अगर मैं उस पर चिप लगा है तो समझिए आपका एटीएम कार्ड नहीं बंद होगा, अगर मैं उस पर चिप नहीं लगा है तो समझिए आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा। आपका कोई भी हो, मास्टर कार्ड, रुपीस कार्ड या किसी भी कार्ड हो आपका, वो हमें बता रहा हूँ कि आपका वो बंद हो जाएगा। और ये बंद 25 नवंबर 2018 से बंद होना चालू हो गया। जब हमने मेल के थ्रू उनसे पूछा, मेल किया था और 25 नवंबर को, तो मेल के थ्रू पूछा तो बोल रहे हैं नहीं, आज से ही चालू हो गया है बंद करना, मतलब 25 नवंबर से चालू कर दिया गया है बंद करना। और इसका टाइम, कोई भी टाइम डेट नहीं दिया गया कि इतनी तारीख तक बंद कर दिया जाएगा। तो बहुत से लोगों को बंद हो गया होगा, मतलब 25 को बंद हो जाए, 26 को बंद हो जाए, 27-28 को, मतलब बोले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, धीरे धीरे ब्लॉक कर देगा, सभी को ब्लॉक कर देगा। तो जिनके पास चिप नहीं लगा है ना, जिनके एटीएम कार्ड पे चिप नहीं लगा, वो बंद हो जाएगा। तो आप पहले एटीएम मशीन जाइए और देखिए, तो बंद हो गया होगा। तो एक काम कीजिएगा आप, या तो बैंक से किसी भी ब्रांच से आप अपना एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब आप उत्तर प्रदेश के हैं, और हो सकता है कि आप मुंबई में रहते हैं और आप सोचते होंगे कि जाएंगे तो हमको उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हमारा एटीएम कार्ड मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप अगर मैं मुंबई में रहते हैं या महाराष्ट्र में या कहीं भी रहते हैं, तो आप, हम बता दें कि आप कहीं भी किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी जाएंगे ना, तो अपना एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मंगा सकते हैं। और अगर मैं ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन हम वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, ऑनलाइन हम वीडियो बनाने वाले हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया हो, तो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।